पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने में वलीद रूही को अस्पताल से लेकर वापस आता है और इकरा को अपने कमरे में देखकर हैरान हो जाता है। इकरा इतनी अच्छी तो नहीं कि अपनी सौतन के कमरे की सफाई करने आए, इसलिए ज़रूर कोई ना कोई तावीज़ ही रखने आई होगी। वलीद उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वह बात बदल देती है कि मैं वो बेडशीट ख़राब थी बस चेंज करने आई थी। वलीद उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें ये सब करने की। इकरा को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो वहाँ से चली जाती है। कमरे से तो चली गई लेकिन वलीद की ज़िंदगी से तो नहीं। रूही पल पल तड़पती है लेकिन इकरा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाए। वो मुस्कुराते हुए रूही के पास आती है और कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें मेरे कदम अपने कमरे में बर्दाश्त ना हों, लेकिन शायद तुम जानती नहीं कि अम्मी और पुप्पी जान यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी वलीद से हो। रूही अपनी अम्मी से कहती हैं कि मेरा दुख तो एक तरफ, लेकिन आपसे अपनी भतीजी का दुख देखा नहीं गया। मेरी जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आप भी तब ऐसे ही करती। रूही की बातें सुनकर वो रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।